ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد النبي <تصحيح> كريم صلى الله عليه وسلم كي پیدائش سے پہلے मक मकरमा में बाज़ बड़े अजीब अजीब वाक़ पेश आते हैं उन वाक़ में से एक वो वाक़ जिसका तस्करा इससे पहले के दर्ज में गुज़र चुका था कि कबीले जुर्म और कबीले ख़ुजा जब इन दोनों में अख्तलाफ हुआ लड़ाई हुई कबीले जुरहम वहाँ हाकिम था लेकिन लड़ाई में वो शिकस्त खा गया तो जाते हुए उसने जमज़म का कुआं बंद कर दिया था इस तरह से अब मक्का मुकर्रमा के अंदर जमज़म नहीं था तकरीबन 300 साल या उससे ज़्यादा कारसा गुज़र गया मक्का में जमज़म नहीं रहा यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब उनका दौर आ गया तो एक मर्तबा का वाकिया है कि अब्दुल मुत्तलिब सो रहे थे उन्हें ख़्वाब में जमज़म कुएं की जगह दिखाई गई और उन्हें हुक्म दिया गया कि फना जगह पर जाकर वहाँ खुदाई कीजिए वहाँ जमज़म का कुआं मिलेगा सुबह हुई अब्दुल अब्दुलमतलब ख़्वाब के मुताबिक एक जगह पर पहुँचते हैं वहाँ खुदाई करते हैं और जैसे ही खुदाई की जाने लगी पता चला कि वहाँ वो सोने की हिरन हीरे जवाहरात और सोने की तलवारें वो खजाना, काबे का वो सब अंदर मौजूद है और साथ में जमज़म का कुआं भी है पानी भी है। अब्दुल अब्दुलतालिब ने वो ख़ज़ाना निकाला और उसका इस्तेमाल चूँकि वो काबे के लिए दिया गया था तो उसको काबे के लिए सर्फ़ कर दिया अब जैसे ही जमज़म का कुआं आबाद हो गया लोगों में ख़ुशी भी हो गई लेकिन यहाँ एक दूसरा मसला खड़ा हो गया वो मसला ये था कि कुरैश के दूसरे कबीले अब्दुल मुत्तलिब से आकर कहने लगे कि इस कुएं में हमारा भी हक़ है हम भी यहाँ के हैं जैसे आप इसके मालिक हैं ऐसे ही हम भी मिल्कियत में शरीक रहेंगे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं इसमें इसकी मिलकियत में कोई शरीक नहीं रहेगा ये तो मेरा ख़ास है मैंने खुदा है लिहाजा इसकी मिलकियत मेरे पास रहेगी इस्तेमाल हर कोई कर सकता है इस्तेमाल के लिए किसी के लिए ममनू नहीं है जैसे पहले इस्तेमाल किया जा रहा था ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा कुरैश के कबीलों ने नहीं माना काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ हो गया मुत्तलिब में और कुरैश के दीगर कबाइल में यहाँ तक कि कुरैश के वो कबाइल उनके सरदार मिलकर एक काहिन औरत के पास गए कि इनका क्या इलाज किया जाए ये नहीं सुनते लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन लोगों की उन लोगों की समझ में ये बात आ गई कि जमज़म के कुएं पर मुत्तलिब का ही हक होना चाहिए हमारा नहीं होगा इस दरमियान में अब्दुल अब्दुलमतलब ने एक नज़र मान ली चूँकि इख्तलाफ हो गया था कुरैश के सरदारों ने कुरेश, कुरेश के दीगर कबाइल ने काफ़ी ज़्यादा मुखालफत की अब्दुल अब्दुलमतलिब तन्हा हो गए तो उन्होंने नज़र मानी कि अगर मेरे दस बेटे हुए तो मैं उनमें से एक बेटे को जबह कर दूँगा क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि ये बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े सरदार मेरे सामने आते हैं जमजम के कुएं में अपना हक जताते हैं मैं दिफा नहीं कर सकता हूँ मेरे पास वो ताकत नहीं है मेरे पीछे वो लोग नहीं हैं ताकि मेरी तरफ़ से लड़ सकें बोल सकें और इनके पास ये अलग अलग कबीले के लोग हैं अगर मेरे पास ख़ानदान बड़ा होता मेरे बेटे होते तो ये सब मिलकर मेरी तरफ से लड़ते थे और उनको पस्त कर देते थे इस नीयत से उन्होंने ये नज़र मानी कि अगर अगर मेरे दस बेटे हुए तो मैं उन दस बेटों में से एक बेटे को ब्बह कर दूंगा, तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। लेकिन दस बेटे क्यों चाह रहे थे ताकि ताकत हो अगर आइंदा से कोई भी ऐसी हमारी मिल्कियत में दखल देना चाहे ये मेरा हक़ है मेरे हक़ में कोई दूसरा दाखिल हो तो जाहिर सी बात है मुझे अपना हक़ हासिल करने के लिए उसे रोकने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ेगी अगर ताकत ना हो तो सामने वाले हमारा हक हाँ छीन लेंगे तो अब्दुल अब्दुलमलिब ने यह नज़र मान ली इस नज़र के बाद अब्दुल अब्दुलमलिब के दस बेटे मुकम्मल हुए जब दस बेटे हो गए तो अब्दुल अब्दुलमलिब ने अपने बेटों को जमा किया और उनसे कहा कि देखिए एक ज़माना था मैंने यह नज़र मानी थी मेरी नज़र के हिसाब से दस बेटे मुकम्मल हो चुके हैं अब आप लोगों की क्या राय है उन्होंने कहा कि ठीक है आपने नज़र मानी हम तैयार हैं जिस तरह से इब्राहिम आलत ने कहा था या बुनैया तराबाल तो बाप ने कहा बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें जुबा कर रहा हूँ बेटे ने कहा चले नब्बे यहाँ बाप कह रहा है बेटों से कि मैंने नज़र मानी कि एक बेटे को जुबा करूँगा बेटों ने कहा ठीक है अब हमारे वालिद मोहतरम हैं आपने नज़र मानी अपनी नज़र पूरी कर लीजिए ये एक तो अरबों की अरबों ने अरबों की जो हैं जो उनकी आदतें कि अगर वो किसी चीज़ का अहद कर लेते हैं किसी चीज़ का वादा करते हैं तो अरबों में वादा खिलाफी करना अहद को तोड़ना बड़ा आयब माना जाता है और ऐसे वक्त में जबकि दस बेटे हो गए नज़र मानने के हिसाब से कौन सा बाप अब बेटे को ज़ुबह करने तैयार होगा ठीक है नजर माना तक ख़त्म हो गया जमज़म का वाक़ अब ज़रूरत नहीं है अब ना लड़ना है ना लड़ाना है ना जंग करना है अब क्या ज़रूरत है चलिए बकरा ज़ुबह कर लेते हैं अल्लाह तो खुश हो जाएगा किसी भी तरह से लेकिन नहीं जो नजर माना था उसी को पूरा करना है और बेटों ने भी देखा कि बाप ये कह रहा है तो बाप के लिए तैयार हो गए यहाँ बेटों की वफादारी भी है बेटों ने ये नहीं कहा कि आप बेटों को जबह करना चाहते हो मक्का में कोई भी ऐसा बाप नहीं है जो बेटों को जबह करे आप अब्दुलमतलिब हैं सरदार हैं यहाँ के बेटों को जबह करना चाहते हो बेटों ने कहा हम राजी हैं बेटे राजी हो गए लेकिन किसको जुबा करें यहां मसला खड़ा हुआ दस तो हैं तो उसके लिए बाकायदा कुरानदाज़ी की गई क़ुरानदाज़ी का तरीक़ा वही जाहिलियत वाला तरीक़ा हुआ करता था <coughs> दस लोगों के नाम के दस तीरें क़ुरानदाज़ी के लिए अलग अलग नाम रखे गए और उसमें से एक को उठाया गया तो उसमें अब्दुल्ला का नाम निकला अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी क़रीम अलैहि वसल्लम के वालिद बेटे ने कहा अब्बा मैं हाज़िर हूँ बाप भी तैयार हो गया बाप ने ली जुबह करने के लिए निकल पड़े अब्दुल्ला के जो ननियाल के लोग थे मामू लोग उन्होंने मुत्तलिब को मना कर दिया कहाँ के बेटे को जबा कर रहे हो अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब उन्होंने मना कर दिया अबू तालिब जिन्होंने नबी की सारी जिंदगी मदद की है उन्होंने कहा नहीं मेरे भाई को माजोमत जबा कीजिए कोई दूसरा तरीका देख लीजिए उनकी मोहब्बत इनके दिलों में जागने लगी अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ठीक है अगर कोई दूसरा रास्ता मिलता है तो ठीक है क्या तरीक़ा होगा उसका फिर वही किसी काहिन के पास जाना पड़ेगा काहिन नजूमी जिस तरह से आज हमारे पास हुआ करते हैं लोग जाते हैं हाथ दिखाते हैं और पता नहीं कौन कौन से काम करते हैं इसी तरह के वहाँ काहिन हुआ करते थे जो ग़ैब की ख़बरों के दावेदार होते थे बहुत सी चीज़ें बताया करते थे लोगों को तो एक काहन के पास पहुँचे हैं कहा कि ऐसा मसला है तो उन्होंने कहा कि आप अब्दुल्ला को जुबा नहीं करना चाहते का नहीं का एक रास्ता है इन अब्दुल्ला और दस ऊंट के दरमियान कुरानदाजी कर लेते हैं एक जगह अब्दुल्ला का नाम दूसरी जगह दस ऊंट हम दो तीरों में दो चीज़ों में कुरानदाजी कर लेंगे दोनों को उड़ाएंगे फिर उठाएंगे उसमें से अगर दस ऊंट का नाम निकल जाता है तो आप दस ऊंट जुबह कर दीजिए अब्दुल्ला को जुबह करने की जरूरत नहीं है अगर अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो फिर और दस ऊँट बढ़ा दीजिए नतीजा ऐसा हुआ कि जब चिट्ठी रखी गई चिट्ठी या तीरों का तरीका अलग अलग तरीके हुआ करते थे बहरहाल कुरान दाज़ी थी जब कुरान उठाया गया अब्दुल्ला का नाम निकला तो कहा कि इनके बदले में दस ऊँट और दस ऊंट बढ़ाए जाएं। <स्याँगा> दोबारा एक तरफ दस ऊंट एक तरफ अब्दुल्ला का नाम फिर अब्दुल्ला का नाम आया फिर और दस ऊंट बढ़ाए गए फिर इधर दस ऊंट इधर अब्दुल्ला का नाम इस तरह से करते करते दस मरतबा अब्दुल्ला का नाम निकला मतलब यह हुआ कि नजर के बदले में अब्दुल मुत्तलिब को सौ ऊंटों की कुर्बानी देनी पड़ी ग्यारहवीं मरतबा में ऊंटों का नाम आया तो शर्त ये थी कि जितनी मरतबा नाम निकलेगा उतनी मरतबा दस दस ऊँट बढ़ाए जाएंगे और आख़िर में जब ऊँटों का जिक्र आया अब्दुल्ला का नाम नहीं आया तो उस वक्त मुकम्मल सौ ऊँट हो चुके थे तो मुतलिब ने सौ ऊँट जबह कर दिए नबी करीम अलैहि वसल्लम के वालिद के साथ ये वाक़ पेश आया था इसीलिए नबी सल्लम फरमाते हैं इब्नु मैं तो जबीहा का बेटा हूं यानी मेरे बाप को भी जबा किया जा रहा था अल्लाह ने बचा लिया और मेरे, नस, मेरे नसब नामे में ऊपर जहां से हमारा सिलसिला शुरू हुआ है इब्राहिम और इस्माइल इसमाहीसलासल्लाम से वहाँ पर भी इसमा साम को किया जा रहा था वहाँ भी अल्लाह तबारक व ताली ने उनको बचा लिया तो आप कहते हैं, आना इब्न ज़बी तयन मैं तो ज़बीा का बेटा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का ये नस्बनामा है इन दीगर वाक़ात इसके बाद बताए जाएंगे अल्लाम आईकम वरहत